काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में होटल मैनेजमेंट की परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर बवाल मच गया। बवाल ऐसा कि छात्र प्रश्न पत्र बनाने वालों को बर्खास्त करने की मांग करने लगे। गुस्साए छात्रों ने कुलपति को पत्र सौंप कर अपना विरोध जताया। नाराज खासा हम लोग क्या भावना है, आस्था आहत हुई है। हम लोग गाय माता है और हम लोग ऐसी पढ़ाई कतई नहीं पढ़ेंगे कि जिसमें को हत्या को बढ़ावा मिले, और ऐसी पढ़ाई पढ़ाने वालों को भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो लोग ऐसे चीज को बढ़ावा देंगे। और उसमें कुलपति महोदय कार्रवाई नहीं कर रहे, नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। दरअसल ये सवाल बीप से जुड़ा है। बताने की बीएचयू में होटल मैनेजमेंट के सेकंड सेमेस्टर के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न बीप से जुड़ा था, जिसमें पूछा गया कि बीप कितने प्रकार के होते हैं। बीप के वर्गीकरण पर तीन सवाल पूछे गए। इन सवालों पर बवाल खड़ा हो गया है। नाराज छात्रों ने वीसी को खत लिखकर अपना विरोध जताया और कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस कोर्स में फूड प्रोडक्शन का भी एक पेपर है, जिस पेपर का मकसद है कि विद्यार्थियों को भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर देश विदेश के खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी हो। ये जानकारी इसलिए भी जरूरी है कि जब विद्यार्थी अपना कोर्स पूरा करने के बाद नौकरी की तलाश में प्रतिष्ठित संस्थानों में जाएं, तो वो प्रोफेशनल और वोकेशनल जरूरतों के हिसाब से खुद को तैयार समझे। इस पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न करिकुलम से पूछा गया था, और ये करिकुलम होटल प्रबंधन में जो देश के प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जाने माने संस्थान हैं, उन संस्थानों के पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयार किया गया है। इसलिए इस बारे में सेमेस्टर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के बारे में जो एक अनचाही और अनावश्यक कंट्रोवर्सी खड़ी की जा रही है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की अपील है कि विश्वविद्यालय में जो पठन पाठन का, परीक्षाओं का और सद्भावपूर्ण वातावरण जो बना हुआ है उसको खराब करने की कोशिश न की जाए।